नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड और स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म अमर प्रेम से ये गीत है, चिंगारी कोई भड़के। इस गाने को ओरिजिनली गाया था किशोर दा ने, म्यूजिक पंचम दा का था और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब का था। अपने ज़माने का ये बहुत पॉपुलर गाना रहा है और इसके लिए मुझे आज तक बहुत रिक्वेस्ट मिले हैं, तो आज पेश करता हूँ। गाना जो है एफ शार्प माइनर में है और मैं बीट्स के साथ मैच करने के लिए बार कॉर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो केपो को सेकंड फ्रेट पे लगा के ई माइनर में बजा सकते हैं। बजाते वक्त मैं आपको बार कॉर्ड और ओपन कॉर्ड दोनों दिखाऊंगा। स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ही सिंपल है और लेसन के एंड में हम सारे कॉर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न में डिटेल में जरूर देखेंगे। गाना जो है राग भैरवी पे बेस्ड है। वेस्टर्न म्यूजिक में लेके चले तो ये आपका फ्रीजियन मोड या फ्रीजियन स्केल कहलाएगा और गाने के कॉर्ड प्रोग्रेशन में कुछ खास बातें हैं उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। हमेशा की तरह गाने के लिरिक्स और कॉर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज के लेसन मेरा साथ देंगे जयंत शुक्ला जी। तो आइए देखें चिंगारी कोई भड़के। देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाना एफ शार्प माइनर में है तो अगर आप बार कॉर्ड्स बजा सकें तो एफ शार्प माइनर, बी माइनर, डी मेजर, मैंने यू बजाया है, आप यू भी बजा सकते हैं, ई माइनर, इसके अलावा जी मेजर भी है और डी सेवेंथ भी है। और अगर आप ओपन कॉर्ड बजाना चाहें तो केपो सेकंड फ्रेट पे लगाएं और एफ शार्प माइनर की जगह ई माइनर में बजाएं, यानी एफ शार्प माइनर की जगह ई माइनर, बी माइनर की जगह ए माइनर, डी मेजर की जगह सी मेजर, डी सेवेंथ की जगह सी सेवेंथ,
ई माइनर की जगह डी माइनर और जी मेजर की जगह एफ मेजर। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न में देख लें, मैंने इस तरह से बजाया ट्रैक के साथ। और अगर आप बिना म्यूटिंग इफेक्ट के साथ बजाना चाहें तो यूं बजा सकते हैं। ओपन कॉर्ड में वही पैटर्न है, और अगर आप पिक के साथ बजाना चाहें तो यूं बजा सकते हैं। और गाने का जो सिग्नेचर पीस है वो यूं है, यहां पर एफ शार्प माइनर बजाते वक्त आपको जो है थर्ड स्ट्रिंग को ओपन बजाना है, यानी कि बजाय इसके कि आप यूं बजाएं, आपको यूं बजाना है, यानी कि आपके नोट्स हो गए और बजाते वक्त आपको यूं बजाना है। अगर आप एफ शार्प माइनर को रेगुलर तरीके से बजाएंगे तो वो आपका मैच नहीं करेगा, यहां पर आपका ये नोट आ जाता है, इसकी जगह आपको ये नोट बजाना है। अगर आप ओपन कॉर्ड बजा रहे हो तो वो सिग्नेचर पीस आप यूं बजा सकते हैं। तो आइए देखें आज के लेसन में जो हमने कॉर्ड्स यूज किए उनमें क्या खास बातें हैं। गाना जो है राग भैरवी पे बेस्ड है और वेस्टर्न म्यूजिक में उसका इक्विवेलेंट है फ्रीजियन मोड यानी कि फ्रीजियन स्केल। नेचुरल माइनर और फ्रीजियन माइनर स्केल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपका सेकंड नोट जो है फ्लैटेंड होता है। तो इस बात को सिंपल रखने के लिए समझ लीजिए कि गाना आपका ई माइनर में है और हमने केपो को सेकंड फ्रेट में रख के ई माइनर में बजाया भी था। तो ई माइनर में जनरली आपके नोट्स होते हैं ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी, डी और ई। और यही अगर आप एफ शार्प नोट की जगह एफ नोट का इस्तेमाल करें तो वो आपका फ्रीजियन माइनर स्केल हो जाता है, यानी कि इसमें नोट्स होते हैं ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, यानी वही नोट जो ए माइनर स्केल में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो टॉनिक है यानी कि जो सा है वो आपका ए की जगह ई हो जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में अगर आप लेके चलें तो आपके नोट्स हो जाते हैं सा, कोमल रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा, और ये वही नोट्स हैं जो राग भैरवी में यूज किए जाते हैं। तो आइए स्केल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो आइए गाने के स्केल को देखें। अगर ये नेचुरल माइनर स्केल होता तो इसमें आपका ये जो दूसरा नोट है ये आपका यहां पर होता, यानी कि आप ये स्केल बजा रहे होते, यानी कि सा, शुद्ध रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। लेकिन ये गाना जो है राग भैरवी पे बेस्ड है और राग भैरवी में जो स्केल यूज किया जाता है वो वही स्केल है जो वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से फ्रीजियन स्केल में होता है।
ये जो आपका नोट है यहाँ पर, इस केस में ये जी नोट है जो आपका कोमल रे का काम कर रहा है, इसी जी नोट के कारण जो है आप स्केल में जी मेजर भी जा सकते हैं, ई माइनर भी जा सकते हैं। अगर यही नोट आपका यहाँ की जगह यहाँ होता तो स्केल में आप ई मेजर बजा रहे होते हैं। राग भैरवी में जब कॉम्पोजिशंस अरेंज किए जाते हैं तो उनमें अक्सर म्यूजिशियंस जो है सा की जगह मा नोट को अपना टॉनिक बना के म्यूजिक अरेंज करते हैं। यानी इसी स्केल को अगर आप बजा के देखें और इस मा नोट को अपना आप सा बना के चले तो इस गाने को अगर आप चाहते तो बी माइनर में भी अरेंज कर सकते थे। बाकी सारे कॉर्ड सेम रहते लेकिन जहां जहां गाना एफ शार्प माइनर की ओर खींचा जाता है वहां पर म्यूजिशियंस चाहते तो गाने को बी माइनर की ओर भी ले जा सकते थे। तो इस बात को समझने के लिए मान लीजिए ये गाना आपका ई माइनर में है तो म्यूजिशियंस अगर चाहते तो ई माइनर की जगह ए माइनर कॉर्ड को अपना होम कॉर्ड बना सकते थे। और ऐसे कई गाने बने हैं जिनमें म्यूजिशियंस ने इस रूट को अपनाया है। एक गाना अभी याद आ रहा है, वो भी पंचम दा का कंपोज किया हुआ था, किशोर दा का गाया हुआ था, हमें तुमसे प्यार कितना। वो गाना भी जो है राग भैरवी पे बेस्ड है और उसमें आपका सा जो है ई नोट है लेकिन म्यूजिक को अरेंज करते वक्त उन्होंने ए नोट को अपना सा मान के चला। तो उस गाने को जब आप बजाएंगे तो आप देखेंगे उस गाने का जो होम कॉर्ड है वो ए माइनर है। अगर म्यूजिशियंस चाहते तो उस गाने को अरेंज करते वक्त भी चिंगारी कोई भड़के की तरह उस गाने का होम कॉर्ड को ई माइनर बना सकते थे। तो इस तरह से बहुत से गाने बने हुए हैं जो कि राग भैरवी पे बेस्ड हैं लेकिन उनमें जो है सा की जगह मा नोट को अपना टॉनिक बनाकर म्यूजिक अरेंज किया गया है। फिर जिन मोड पे बेस्ड गाने पर मैंने और भी लेसन बनाए हैं उनके लिंक्स भी आपको दूंगा, आपने देखें आपको अच्छा लगेगा। और आपको अगर माइनर स्केल्स और मेजर स्केल्स के बारे में और जानकारी हासिल करनी हो तो मैंने कुछ लेसन बनाए हैं माइनर और मेजर स्केल्स पे, आपने देखें, उनका लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बातों से आपकी जानकारी बढ़ी और आज का लेसन भी पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत दिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए।